हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग जो क्वेश्चंस हमारे 10C एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग। क्वेश्चन नंबर 6, मोहिनी परचेज अ कंप्यूटर फॉर रुपीज 37,960। मोहिनी ने एक कंप्यूटर खरीदा 37,960 का, इंक्लूडिंग वैट ऑफ 4%, मतलब 4% वैट इंक्लूड करके। जैसे समझने की बात है कि यानी ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया ना, कि प्राइस जो था हमारा कंप्यूटर का इतने में खरीदा, तो प्राइस जो है वो ओरिजिनल प्राइस होगा। ये जो सेलिंग प्राइस आया है, ठीक है ना, जितने में उसने खरीद के लाया, तो ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट भी मिलाया गया, वैट 8% का मिलाया गया होगा ऑफ ओरिजिनल प्राइस का, तभी ना ये सेलिंग प्राइस आया हमारा। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो देखो वही कह रहा है कि आपका इतने का मोहिनी ने खरीदा, ठीक है, वैट जिसमें कि इंक्लूडेड था, मतलब 4% जो भी आपका 4% जो भी आपका लगा था ओरिजिनल प्राइस पे, वो मिला करके इसमें दिया हुआ है, जो भी पैसा 4% ओरिजिनल प्राइस पे आया था। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, तो वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइस की, मतलब ये जो ओरिजिनल प्राइस था जिस पे वैट लगा था 4%, उसके बाद खरीदने पे आया इतने का, तो वो ओरिजिनल प्राइस क्या था। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, ओरिजिनल प्राइस क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो वैट मेरा क्या लगा है, वैट लगा है हमारा 4% ऑफ, 4% ऑफ व्हाट, 4% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, 4% ऑफ ओरिजिनल प्राइस वैट लगा है। नाउ टेल मी वन थिंग, 4% हटा नीचे, 100 ऑफ का मतलब इनटू ओरिजिनल प्राइस क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स, तो 2 टाइम में डिवाइड ये 50, ये 1 टाइम में डिवाइड ये 25, तो व्हाट इज द वैल्यू, 1 इंटू एक्स, एक्स बाय 25, यानी इतना जो है ये वैट का अमाउंट है। देखो ओरिजिनल प्राइस इतना था, एक्स मान लिए क्योंकि ओरिजिनल प्राइस हमको पता नहीं है, ओरिजिनल प्राइस इतना माने, और उसके अकॉर्डिंग जब एक्स के अकॉर्डिंग वैट निकाले 4%, तो मेरा एक्स बाई 25 रुपीज़ आया, रुपीज़ एक्स बाई 25 आया। ठीक है, अब देखो ये बताओ कि जो प्राइस, अब देखो प्राइस अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इन दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो प्राइस ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग वैट, वैट जोड़ करके, तो देखो क्या होगा ओरिजिनल, जैसे यहाँ देखो सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस या प्राइस, ठीक है, कंप्यूटर का वैट इंक्लूड करके क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट 4% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। तो देखो क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस इतना, और 4% अगर वैट निकाला गया ओरिजिनल प्राइस का, तो क्या होगा, एक्स बाई 25 होगा। ये हो गया मेरा अमाउंट, चलो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ एक्स, एक्स एंड 25 कैल्सियम, 25 से ये 25 टाइम में कट होगा, 25 इंटू एक्स, 25x, ओके, रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ का साइन देंगे, 25x प्लस ये आपका कितनी बार में डिवाइड हुआ, 1 टाइम में, 1 इंटू एक्स, एक्स, नाउ इट विल बी फाइनली 25 प्लस 1, 26x बाई 25, ओके, दिस इज़ द प्राइस ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग वैट। नाउ ये हमारा माना हुआ प्राइस है, लेकिन ओरिजिनल में जो प्राइस है, मतलब वैट इंक्लूड करके, वो कितना है, ओरिजिनल में प्राइस दिया है वैट इंक्लूड करके कितना, 37,960, तो ये बताओ ये ओरिजिनल वाला प्राइस है और ये माना हुआ प्राइस, दोनों आपस में बराबर होगा, होगा ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि 20 रुपीज़ 26 एक्स बाई 25 इज इक्वल टू रुपीज़ 37,960, ओके, 960, ओके। नाउ एक्स यहीं रहेगा और ये क्या करेगा, 25 उधर जाएगा, 37,960, 25 यहाँ आया और ये 26 यहाँ आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देन वी विल गेट फ्री प्राइस क्या मिलेगा, 36,500, है ना। तो ये जो आया एक्स का वैल्यू, और एक्स किसे माना था, ओरिजिनल प्राइस को, ठीक है, तो वी कैन से दैट हेंस द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर
इज इक्वल टू रुपीज 36,500. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टाइप ऑफ है. ठीक है क्या लिखा है, सेजल परचेज सम कार पार्ट्स फॉर रुपीज 20,776 इंक्लूडिंग वैट एट 12%, है ना. तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्पेयर पार्ट्स, मतलब सेजल ने कुछ पार्ट्स खरीदा कार का, ठीक है, खुदरा पार्ट खरीदा जिसका दाम इतना था, और वो जो खरीदने के बाद उसमें वैट भी इंक्लूडेड था क्या, 12% वैट इंक्लूड करके उसका सेल मतलब खरीद के वो लाई तो इतना रुपया पड़ा. ठीक है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था जिस पे 12% वैट लगा, मतलब ओरिजिनल प्राइस उसका कितना था उस स्पेयर पार्ट्स का जिस पे 12% वैट लगने के बाद रुपीज 20,776 हो गया. ठीक है, तो देखो अगेन उसी तरीके से हम लोग क्या मान लेंगे सॉल्यूशन 7 का. ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, ओरिजिनल प्राइस क्या मान लेंगे एक्स, क्योंकि अभी हमें नहीं पता. ठीक है, और यहाँ पे वैट कितना लगा, 12% लगा, तो वैट जो होगा, वैट 12% ऑफ ओरिजिनल प्राइस पे वैट लगता है हमेशा. ठीक है, ओरिजिनल प्राइस पे वैट लगा. अब चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं. पहले 12% हटा नीचे 100 गया, ऑफ का मतलब होता है इनटू ओरिजिनल प्राइस क्या माने एक्स माने. ठीक है, एक्स तो हम लोग कह सकते हैं, अगर सॉल्व करना तो कर लो. चलो 6/50, नाउ 3/25, इट विल बी 3 × x, 3x/25, ये हो गया वैट का प्राइस. देखो ये ओरिजिनल प्राइस एक्स है, और वैट अगर 12% निकाला गया ओरिजिनल प्राइस पे तो 3x/25. ओके नाउ टेल मी कि प्राइस ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ कार इज इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस एक्स प्लस जो वैट का अमाउंट है, वैट वाला जो निकाल के हुआ वो इतना, ये होगा मेरा. ठीक है, ये हो गया. चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ कुछ नहीं तो एक्स 1 और 25 कैल्सियम 25 से 1 कटा 25 टाइम में इनटू एक्स 25x प्लस दिस 3x 25 से 25 एक बार में कटा इनटू करेंगे 3x तो 3x. ओके नाउ इट विल बी रुपीज 25 प्लस 3 28x/25. ओके ये हुआ माना हुआ सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस हुआ इतने में वो खरीद के ले गए. लेकिन ओरिजिनली वो कितने में खरीद के लेकर गई है, इतने में. ये खरीद के ले जाने वाला प्राइस तो दिया है, तो ये जो होगा इसके बराबर होगा, मान के चले तो इतना आया, लेकिन और रियलिटी में उसको इतना रुपया लग गया वैट इंक्लूड करके. ठीक है, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, तो वी कैन से रुपी 28x/25 इज इक्वल टू रुपीज 20,776. आपस में क्या होंगे, ये प्राइस प्लस ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स यहीं रहेगा और 25 इधर यहाँ जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ गया 20776 × 25 एंड दिस 28 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है एक्स के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी व्हाट वी विल गेट 18,550 और एक्स क्या था, कॉस्ट प्राइस था. तो हम कह सकते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्पेयर पार्ट्स इज इक्वल टू रुपीज 18,550. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अगेन क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑफ सेम टाइप, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है. क्या लिखा है, द सेल प्राइस ऑफ द टीवी सेट इंक्लूडिंग वैट इज 27,000. कह रहा है कि जो सेल प्राइस है, ठीक है ना, वो क्या है, वो वैट मिला करके, मतलब वैट का चार्ज, ठीक है ना, प्लस ओरिजिनल प्राइस मिला करके दिया है 27,000. ठीक है, 27,000 दिया, जिसमें वैट जो है 8% चार्ज हुआ. वैट क्या 8%
8% टू द लिस्ट प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस पे, तो 8% ऑफ ओरिजिनल मान लेंगे x और प्लस ओरिजिनल प्राइस को भी क्या मानेंगे x, तो ये जो हुआ मिला करके आपका SP दिया है। तो बताइए कि आपका क्या था कि लिस्ट प्राइस क्या था यानी ओरिजिनल प्राइस क्या था। ठीक है, लिस्ट प्राइस हो या ओरिजिनल प्राइस हो सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे तो चलो क्या कर लेंगे हम लोग, फिर से वैसे ही बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह से। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अगेन लेट द ओरिजिनल प्राइस बी x मान लिया। ठीक है, और वैट क्या है, वैट है हमारा 8%, बस लैंग्वेज चेंज है यहाँ पे। ठीक है ना, क्वेश्चन बिल्कुल 6 और 7 के जैसा है, 8% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो 8 OP फॉर ओरिजिनल, परसेंट हटा नीचे, 100 ऑफ का मतलब इनटू ओरिजिनल प्राइस क्या माना, x माना। तो वी विल गेट हियर, विल गेट रुपीज 2x by 25, विल गेट 2x by 25। ओके, अब देखो ये जो अब क्या होगा, और प्राइस सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट मिला करके क्या होगा उसका, तो क्या होगा ओरिजिनल प्राइस यानी लिस्ट प्राइस प्लस दिस वन x प्लस 2x by 25, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वी विल गेट रुपीज 27x by 25। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 27x by 25। ओके, अब देखो, और ये जो होगा ये इस 27 के बराबर होगा। देखो यही चीज़ ना हम लोगों ने यहाँ पे किया है, 8% ऑफ x यहाँ जब सॉल्व किया तो ये आया, और प्लस x ओरिजिनल प्राइस या लिस्ट प्राइस इतना, तो इन दोनों को जब सॉल्व किया तो ये आया, और ये किसके बराबर होगा, 27 के बराबर। ठीक है, तो लिख सकते 27x by 25 इज इक्वल टू रुपीज़ 27,000। ओके, ये आपस में बराबर होगा, तो x यही रहेगा, 27,000 के पास क्या गया, 25 गया, और ये 27 यहाँ नीचे आया। ठीक है, ये 27 डिवाइड में आया, ये 25 इधर मल्टीप्लाई, ये इससे एक और ये 1000 में बार में गया, तो आपका x इज इक्वल टू 25 × 1000, विल गेट 25,000। ओके, तो ये x का वैल्यू आ गया, और x किसे माना था, ओरिजिनल प्राइस को, है ना। तो वी कैन से दैट हेंस द ओरिजिनल प्राइस इज प्राइस ऑफ व्हाट, क्या था, टीवी, है ना, टीवी इज रुपीज 25,000 इतने का था, जिस पे 8% वैट लगा, उसके बाद 25,000 का जब 8% वैट निकालेंगे और उससे फिर जोड़ देंगे 25,000 में, तो हम लोग को 27,000 सेलिंग प्राइस पड़ जाएगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, सो इजी क्वेश्चन नंबर 9, देख कह रहा है, रोहित परचेज अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹882। रोहित ने जूता खरीदा 882 रुपये का, जिसमें कि वैट इंक्लूडेड था, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, वैट इंक्लूडेड था, ओरिजिनल प्राइस इतना था, तो बताओ वैट का रेट क्या। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वैट का रेट बोला जाए, ठीक है ना, वैट रेट पूछा जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस में से ओरिजिनल प्राइस माइनस कर देंगे बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, बस इतना करना है, इतना करना है हम लोग को। ठीक है, तो बस हम लोग का फिर क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ वैट निकल जाएगा। ओके, तो सी पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, रेट ऑफ रेट ऑफ वैट इज इक्वल टू, ठीक है, सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस है मेरा इतना, ठीक है, सेल प्राइस है 882 माइनस ओरिजिनल प्राइस 840 बाय ओरिजिनल प्राइस 840, देखो अकॉर्डिंग टू दिस, सेल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू हंड्रेड। ओके, और यहाँ पे किसका साइन देंगे, परसेंटेज का। ठीक है, तो अगर हम इससे माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वन फ्रॉम दिस वन विल गेट 42 बाय 840 इन 200। ओके, तो ये इससे कट गया, ये इससे दो बार में डिवाइड हो, दो से ये 5 टाइम में, तो ये हो जाएगा 5%। ओके, तो हेंस
वी कैन से हेंस द रेट ऑफ वैट इज 5%. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरीके से बनेगा, ठीक है. मालती बाउट अ VCR फॉर रुपीज इतना, वैट इंक्लूड करके, मतलब इतने में उसने खरीद के लाया, ठीक है, ये सेल प्राइस है और ओरिजिनल प्राइस इतना था, तो बताओ कि कितना परसेंट इस पे वैट लगा तब प्राइस इतना हो गया, तो रेट ऑफ वैट निकालना है, ठीक है. अगेन उसी तरीके से रेट ऑफ वैट, वैट इज इक्वल टू क्या निकालेंगे हम, क्या बताया आपको, डिफरेंस पहले निकालेंगे, सेल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस, ओपी फॉर ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे और यहाँ पे किसका साइन दे देंगे, परसेंट का, ठीक है. तो सी, और सेल प्राइस क्या दिया है, सेल प्राइस दिया है आपका 19,980 माइनस ओरिजिनल प्राइस क्या है 18,500 बाय ओरिजिनल प्राइस 18,500 इंटू 100. ओके चलो, दिस जीरो, दिस जीरो इज डिविजिबल, सो नाउ विल सब्ट्रैक्ट दिस 9980 में से 18500 माइनस कर लेंगे, देन वी विल गेट 1480 बाय 85. ओके 185, तो अब ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 185 से, विल गेट 8%, ठीक है, क्या मिलेगा 8%. तो कह सकते हैं हेंस रेट ऑफ वैट इज इक्वल टू आपका 8%, ठीक है. नाउ 10 नंबर, ये 10 नंबर था, अब बचा लास्ट 11 नंबर. ओके 11 नंबर भी सेम सॉल्यूशन से इसी तरीके से बनेगा. देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ द कार इंक्लूडिंग वैट इज इक्वल टू 382,500 द बेसिक प्राइस. इफ द बेसिक प्राइस ऑफ द कार वॉज 340,000 फाइंड द वैट, द रेट ऑफ द वैट ऑन द कार. देखो कहीं पे आपको बस लैंग्वेज चेंज है, बस यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस की जगह क्या लिख दिया, बेसिक प्राइस. बेसिक प्राइस इज ऑल्सो सेम, ओरिजिनल प्राइस बेसिक प्राइस बोथ आर सेम, ठीक है. तो अगेन उसी तरीके से लिखेंगे, रेट ऑफ वैट इज इक्वल टू, रेट ऑफ वैट इज इक्वल टू कैपिटल में, वैट इज इक्वल टू सेलिंग सेल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस हो, बेस प्राइस, बेसिक प्राइस हो, बोथ आर सेम, सॉरी इनटू 100%. नाउ टेल मी, सेल प्राइस क्या दिया है, 3,82,500 माइनस 3,40,000 बाय 3,40,000 इंटू 100. चलो देखो ये हो गया. ओके तो दो जीरो यहाँ से इसे पहले कट कर लेते और इसमें से ये माइनस कर लेते हैं. चलिए देखते क्या आता है. तो हमें यहाँ क्या मिल गया, माइनस करने पे ये मिला, ठीक है, और उसे जब इतना से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, विल गेट 12.5%. ओके ये हो गया रेट ऑफ टैक्स, हेंस रेट ऑफ वैट इज इक्वल इज 12.5%. इज दैट क्लियर. थैंक यू एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ऑल्सो.